दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जीएसटी के रिजल्ट को आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किस तरीके से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आप इस आपका बीएसटीसी का रिजल्ट निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना होगा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे गूगल ड्राइव टाइप करना है। जैसे आप गूगल टाइप कर दोगे ये वाला बॉक्स में आपको यहाँ पे गूगल खुल जाता है। तो आपको यहाँ पे डालना है रिजल्ट, जैसे यहाँ पे यूआरएल बॉक्स में आपको iusurldresult.predelay.com ये डालना है। जैसे आप इस साइड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों कुछ कारण की वजह से साइट थोड़ी बिजी चल रही है तो आपको मैं बता देता हूँ, रिजल्ट डॉट फ्री डिलेट ये आपको टाइप करना है। जैसे आप साइट को टाइप करोगे और आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके सामने एक नया पेज हो जाएगा। तो मैं एक रिजल्ट निकाल के आपको बता देता हूँ। आप इसमें तीन ऑप्शन है, कैंडिडेट डिटेल और कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर और मोबाइल नंबर। आप किसी भी तीन तरीकों के आधार पे आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इसमें मैं पहला ऑप्शन चॉइस कर लेता हूँ, कैंडिडेट एनी टू डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी या मोबाइल नंबर आपको डालना है, या फिर आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आता है कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी मोबाइल नंबर या कैंडिडेट एनी टू डिटेल्स, इस पर क्लिक करके आप जैसे आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको अपना नाम डाल देना है, उसके बाद में आपको आपके फादर्स का नाम डाल देना है या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूं। एनी टू डिटेल्स के आधार पर अपन निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना नाम डाल के भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आप लिस्ट रिजल्ट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आप इस तरीके से अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो के लिए आप एक छोटा सा लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और इस प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अपना रिजल्ट निकलवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना रोल नंबर टाइप करें, आपका रिजल्ट उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।